नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन चैनल पे। दोस्तों, हमारे देश के महान विद्वान रहे आचार्य चाणक्य ने हमारे जीवन से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि हमारे जीवन को एक सार्थक मोड़ दे सकती हैं। दोस्तों, आज से 2300 साल पहले जो आचार्य चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में बातें बताई हैं, वो बातें हमारे जीवन में आज बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन्हीं के बताए हुए कुछ अनमोल वचन, कुछ अनमोल बातों से आज हम आपको अवगत कराएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के चाणक्य नीति से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, साधु महात्माओं के संघर्ष से पुत्र मित्र बंधु और जो अनुराग करते हैं वो संसार चक्र से छूट जाते हैं और उनके कुल धर्म से उनका कुल उज्ज्वल हो जाता है। दोस्तों, यह निश्चित है कि शरीरधारी जीव के गर्भकाल में ही आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु, इन पांचों की सृष्टि साथ ही साथ हो जाती है। दोस्तों, जिस प्रकार मछली देखरेख से, कौवा भी चिड़िया स्पर्श से, चोंच द्वारा सदैव अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ से सर्व प्रकार से रक्षा होती है। यह नश्वर शरीर जब तक निरोग व स्वस्थ है या जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक मनुष्य को अपने सभी पुण्य कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि अंत समय आने पर वह क्या कर पाएगा। दोस्तों, विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली है। विद्या से सभी फल समय पर प्राप्त होते हैं। परदेश में विद्या माता के समान रक्षा करती है। विद्वानों ने विद्या को गुप्त धन कहा है, अर्थात विद्या वह धन है जो आपातकाल में काम आती है। इसका ना तो हरण किया जा सकता है, ना ही इसे चुराया जा सकता है। सैकड़ों अज्ञानी पुत्रों से एक ही गुणवान पुत्र अच्छा है। रात्रि का अंधकार एक ही चंद्रमा दूर कर सकता है, ना कि हजारों तारे। बहुत बड़ी आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही जो मर गया वह अच्छा है, क्योंकि मरा हुआ पुत्र कुछ देर के लिए ही कष्ट देता है, परंतु मूर्ख पुत्र जीवन भर जलाता है। दोस्तों, उस गाय से क्या लाभ जो ना बच्चे जने और ना ही दूध दे। ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो ना तो विद्वान हो और ना ही देवता का भक्त हो। इस संसार में दुखों से दग्ध प्राणी को तीन बातों से सुख शांति प्राप्त हो सकती है, सुपुत्र से, पतिव्रता स्त्री से और सत्संगति से। दोस्तों, राजा लोग एक ही बार बोलते हैं, आज्ञा देते हैं। पंडित लोग किसी कर्म के लिए एक ही बार बोलते हैं, बार बार इस श्लोक नहीं पढ़ते। कन्याएं भी एक ही बार दी जाती है। ये तीन एक ही बार होने से विशेष महत्व रखते हैं। तपस्या अकेले में, अध्ययन दो के साथ, गाना तीन के साथ, यात्रा चार के साथ, खेती पांच के साथ और युद्ध बहुत से सहायकों के साथ होने पर ही उत्तम होता है। दोस्तों, पत्नी वही है जो पवित्र और चतुर है। पतिव्रता है, पत्नी वही है जिस पर पति का प्रेम है। पत्नी वही है जो सदैव सत्य बोलती है। बिना पुत्र के घर सूना है, बिना बंधु बांधुओं के दिशाएं सूनी है। मूर्ख का हृदय भावों से सूना है, दरिद्रता सबसे सूनी है, अर्थात दरिद्रता का जीवन महाकष्टकारक है। बार बार अभ्यास न करने से विद्या विष बन जाती है, बिना पचा भोजन विष बन जाता है। दरिद्र के लिए स्वजनों की सभा या साथ और वृद्धों के लिए युवा स्त्री विष के समान होती है। दयाहीन धर्म को छोड़ दो, विद्याहीन गुरु को छोड़ दो, झगड़ालू और क्रोधी स्त्री को छोड़ दो और स्नेहहीन बंधु बांधुओं को छोड़ दो। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, बहुत ज्यादा पैदल चलना मनुष्य को बुढ़ापा ला देता है। घोड़ों को एक ही स्थान पर बांधे रखना और स्त्रियों के साथ पुरुष का समागम ना होना और वस्त्रों को लगातार धूप में डाले रखने से बुढ़ापा आ जाता है। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को बार बार यह सोचना चाहिए कि हमारे मित्र कितने हैं, हमारा समय कैसा है, अच्छा है या बुरा, और यदि बुरा है तो उसे अच्छा कैसे बनाया जाए। हमारा निवास स्थान कैसा है, सुखद, अनुकूल अथवा विपरीत। हमारी आय कितनी है और व्यय कितना है। मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ अथवा शरीर, स्वाधीन हूँ अथवा पराधीन, तथा मेरी शक्ति कितनी है। दोस्तों, जन्म लेने वाला पिता, उपनयन संस्कार कराने वाला, विद्या देने वाला गुरु, अन्नदाता और भय से रक्षा करने वाला, ये पांच पितर माने जाते हैं। दोस्तों, राजा की पत्नी, गुरु की स्त्री, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता, सास और अपनी जननी, ये पांच माताएं मानी गई हैं। इनके साथ मातृवत व्यवहार ही करना चाहिए। अग्निदेव ब्राह्मणों,
क्षत्रिय और वैश्यों के देवता हैं, ऋषि मुनियों के देवता हृदय में हैं, अल्प बुद्धि वालों के देवता मूर्तियों में हैं और सारे संसार को समान रूप से देखने वाले के देवता सभी जगह निवास करते हैं। तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल वचन जो हमने आपके साथ शेयर किए, साझा किए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के चाणक्य नीति से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।